सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। नहीं धूप का हम ठंडी छाया देगा हरदम, पवित्र रिश्ता पवित्र रिश्ता तेरे नमस्ते बंधु, कैसी है तू? अच्छी हूँ बाबा, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। अरे अजीत आओ, आओ अजीत बैठो ना, आई आइए ना, बैठिए आई। आज तू भी आ और यहाँ बैठ, आज मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। आई कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। आई एक्चुअली फिलहाल मानो घर पर नहीं है, तो अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे बताना। समझ लेना कि आपका दूसरा बेटा आपकी तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहा है। आई अगर आप मुझ पर हक जताएंगी ना तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो वो खुशी मैं तुझे अब भी देती हूँ बेटा। एक मिनट। क्या है बेटा, गुस्सा नहीं करना है, एक काम है, है? आज ना यहाँ कोई सब्जी वाली आई नहीं, और सब्जी लाने के लिए घर में कोई नहीं है, तो एक काम करेगा, मार्केट में जाके कुछ तो सब्जी लेके आएगा बेटा। हाँ जी आई। अरे अजीत तू क्यों जा रहे, देना मुझे। अरे नहीं बाबा, मैं तो अभी आया है भाई। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है बाबा, मैं जा रहा हूँ। गुस्सा नहीं आया ना बेटा? नहीं नहीं मैं अभी आया। आलो चाय। सविता दाई एक बात कहूँ आपसे, तुमसे जेवढं कौतुक करावं ना तेवढं कमीच आहे। आप अकेली औरत पूरा घर संभाल रही है। अगर आपके पति इसके लायक होते तो मतलब? मेरा मतलब ये है कि दामोदर जी न घर खर्चे में आपका हाथ बटाते न घर के काम में, उल्टा आपको टॉर्चर करते रहते हैं, इसीलिए तो आपने पुलिस कंप्लेंट कर दी थी ना। देखो रसिका ताई, मेरे पति क्या करते हैं क्या नहीं करते, कहाँ जाते कहाँ नहीं जाते, मैं उनसे झगड़ू या प्यार करूं, ये सब बातों का आपकी निजी जिंदगी से कोई संबंध है? आप मेहमान की तरह आई है तो मेहमान की तरह बैठो, यही आपके सेहत के लिए अच्छा है। सविता ताई। अरे सविता ताई गई तेल लगाने। देखो आपके नसीब अच्छे हैं, आप मेरी बेटी की सास हैं, इसलिए मैं आपसे बहुत तमीज से बात कर रही हूँ। अगर तीसरा कोई मेरे पति के बारे में उल्टा सुलटा सोचेगा ना तो मैं उसे क्या करती मालूम है? उसके बाल नोच के यहाँ से घसीट के घर के बाहर डाल देती थी, समझिए आप। अरे
चाय आई है, चाय लीजिए। आई आई रुकिए ना, सुनिए तो सही। क्या बात है, आज अकेले अकेले घूम रही हो? वो तेरा मोटा खरगोश किधर गया? कहीं छोड़ तो नहीं दिया उसे? और छोड़ दिया तो अच्छा है ना, हम है ना तेरी जैसी मुर्गी के लिए। चल निकल यहाँ से। ए, तेरी कौन है? बहन लगती है मेरी। ए? अरे भाई क्या हो रहा है, क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। चलो वैशाली, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, आओ। वैशाली तुम एक मिनट यहीं रुको, हाँ अभी आता हूँ, यहीं रुको। पहचाना सर, मैंने उस दिन आपकी कार ठीक की थी। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, उस दिन मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं सही समय पे पहुँच के उस मीटिंग को अटेंड कर पाया। कहो कैसे हो? जी ठीक हूँ सर, मैं आपके घर ही आ रहा था। उस दिन जाते वक्त आपके पॉकेट से 1000 रुपए गिर गए थे। मैंने आपको आवाज लगाई लेकिन आप निकल गए थे सर, ये लीजिए। थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? जी मानव देशमुख। क्या करते हो? जी वैसे तो मैं मोटर मैकेनिक हूँ लेकिन आजकल काम की तलाश कर रहा हूँ। अच्छा सर मैं निकलता हूँ। मानव सुनो। जी मानव, ये कार्ड लो और इस एड्रेस पे चले जाना, ये मेरे दोस्त की मैकेनिक शॉप है, वहां तुम मेरा रेफरेंस देना, तुम्हें काम वहां जरूर मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया किस लिए, देखो दुनिया में अच्छे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं और मैं अच्छे लोगों की बहुत कदर करता हूँ। फिर मिलते हैं। जी सर। पता है वैशाली, हाँ? ये जो साहिब थे ना, इन्होंने अपने दोस्त का कार्ड दिया है और कह रहे हैं यहाँ जाने के बाद मुझे नौकरी मिल जाएगी। क्या बात है जी, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। आप अभी है ना अर्चना दाई को? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, चलो। हेलो अर्चना। जयवंत। कहिए। अर्चना जब से तुम मेरी जिंदगी से गई हो, मेरी जिंदगी बेमतलब हो गई है। मैं तुम्हें अपने दिल से अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूं। अर्चना वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं, आप ठीक तो है ना? मेरी शादी हो चुकी है, मेरे पति है मानव। तुम तो मेरी पत्नी बनने वाली थी लेकिन तुमने मुझे धोखा देकर तुम उस मानव के पास चली गई। अब बस तुम्हें मानव को छोड़ के मेरे पास आना होगा। अर्चना यकीन मानो मैं तुम्हें मानव से ज्यादा प्यार करूंगा। चुप रहिए आप। अर्चु क्या हुआ, किसका फोन है? आई वो रॉन्ग नंबर था। We'll be right back.
चाय। मैंने ऐसा पढ़ा है, गलती सबसे होती है, गलती करने वाला इंसान होता है और माफी करने वाला महान इंसान होता है। तुमने पढ़ना लिखना कब सीखा? वो परसों विमला पढ़ रही थी तो मैंने सुना। तू कभी नहीं सुधरेगी, अपने अहंकार के नीचे दब के मर जाएगी लेकिन कभी माफी नहीं मांगेगी। सीधा सीधा माफी मांग के खत्म कर दी किस्सा। मैंने कुछ किया ही नहीं तो माफी क्यों मांगू? चाय क्यों नहीं पी रहे हो? सवेरे से खाया तक नहीं कुछ। अच्छा बाबा, मेरे से गलती हो गई, माफ करो, लेकिन ऐसा मुंह मार कर मत बैठो ना। झगड़ा करो मेरे से, झगड़ा करो, और मुझे तुमसे बगैर चलता ही नहीं ना झगड़ा करने के लिए। मैं क्यों फिक्र करूं तेरी? अच्छा तो मेरी फिक्र नहीं तो रास्ते पे चलने वाली औरत की फिक्र है क्या? मुझसे शादी की है तो मेरी फिक्र करनी पड़ेगी। तुझसे शादी की ना, वो मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। हाँ, तुम्हारे साथ शादी करके मेरी जिंदगी का भूल भुलैया हो गया। अरे मेरी जिंदगी में तो भूचाल आ गया। अरे भूचाल में तुमको मैंने संवारा। अरे देखते चल चाय पी, अभी तक दिमाग गर्म कर दिया। धर्मेश, धर्मेश तुम्हें पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? आज जब मैं मार्केट गई थी ना तो मुझे उन गुंडों ने फिर से छेड़ा। और वहां पे मानव आ गया। मानव जैसा मवाली और छोटा इंसान ही उन मवालियों से उलझ सकता है। मारपीट वगैरह करना तो रोज की आदत होगी ना उसकी। हम जैसे इंसान जिनकी सोसाइटी में अपनी एक इज्जत, अपना एक स्टेटस है, वो उन जैसे मवालियों के मुंह नहीं लगते। उस दिन जिस तरह अवॉइड किया था उसी तरह अवॉइड कर देते। तुम्हारी ये जो सोच है ना धर्मेश, वो बिल्कुल गलत है। मैं इस सोच को बिल्कुल नहीं मानती। किसी औरत की बेइज्जती को अपने आंखों के सामने बर्दाश्त करना, इसे अगर तुम अपना स्टेटस, अपने इज्जत की पहचान मानते हो ना, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी इज्जत। वैशु, मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ धर्मेश, बल्कि आज जो मानव ने किया ना वो उस दिन तुम्हें करना चाहिए था। वैशु, तुम खामखा मानव के साथ मुझे कंपेयर कर रही हो। मैं किसी के साथ तुम्हें कंपेयर नहीं कर रही हूँ धर्मेश, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ हर बार तुम सही हो ये जरूरी तो नहीं है ना। सामने वाला इंसान भी तो सही हो सकता है, और इस बार मानव सही है। क्यों मिलता हूँ? नमस्कार वेणी। नमस्कार। क्या हुआ जयवंत जी, आपने अचानक फोन करके बुला लिया? सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? प्रॉब्लम नहीं वेणी, सलूशन देने के लिए आपको बुलाया। मतलब? आइए ना, अंदर बैठ के बात करते हैं, आइए। वो एक्चुअली मैं ऑफिस के लिए लेट हो गई हूँ, वैसे ही मुझे जल्दी पहुँचना है, तो हम लोग यहीं खड़े होकर बात कर लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस थोड़ा समय, और मुझे यकीन है कि आप समझ जाएगी। वो क्या है बहनी, जिनकी दुखती रग एक होती है ना, वो जल्दी समझ जाते हैं, और हम दोनों की दुखती रग है मानव। मैं जानता हूं बहनी कि आप मानव से नफरत करती हैं, और मेरे लिए तो नफरत का दूसरा नाम ही मानव है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अर्चना की जिंदगी से मानव को निकाल फेंकने में आप मेरी मदद करें। वो तो ठीक है, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? बहुत फायदा होगा वही,
बहुत फायदा। मैं जानता हूँ अर्चना और मानक की वजह से आपको हमेशा मुंह की खानी पड़ी है, हमेशा आपका ईगो हर्ट हुआ। अगर हम दोनों को सजा मिलती है तो मुझे यकीन है कि सबसे ज्यादा खुशी आपको मिलेगी और उससे ही बड़ा फायदा, अगर मैं आपके पति को अच्छी जगह नौकरी पे लगा सकता हूँ तो उसे पैसे बनाने के रास्ते भी दिखा सकता हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि आपको बुरा लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन आप तो जानते कि विनोद तो... मैं जानता हूँ कि विनोद बहुत ही शरीफ इंसान है, कभी उल्टे सीधे काम नहीं करेगा, लेकिन यकीन मानिए अगर मेरी संगत में रहेगा ना पैसे कमाना सिखा दूंगा उसे। अच्छा तो मुझे क्या करना होगा? आई तू ये क्या कर रही है? आजकल ठंड ज्यादा पड़ रही है ना, इसलिए रजाइयां निकाली। देख रही है ना मुंबई में कितनी ठंड पड़ रही है, कल रात कितनी ठंड थी, तेरे बाबा ठंड के मारे सिकुड़ गए थे। मैंने सोचा आज रजाइयां निकाली लेती हूँ, जरा धूप दिखाऊंगी ना तो ओढ़ने लायक हो जाएंगी। इनके लिए नया कवर तो सिलवाना ही पड़ेगा, क्यों? हाँ आई, वो आई तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। आई तू जो कुछ भी मेरे लिए कर रही है मुझे ऐसा लगता है उसकी वजह से तेरे दादा के रिश्ते पर, वर्षों वैशाली के रिश्ते पर अन्याय हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा लगने लगा है कि तू उन लोगों के साथ कुछ गलत कर रही है। अर्चू, मेरा मन और मेरे बप्पा दोनों जानते हैं कि मैं अपने बच्चों के साथ ऊंच नीच कर ही नहीं सकती। हाँ ये सच है कि तेरे लिए मेरे मन में ज्यादा झुकाव है, लेकिन उसकी वजह भी तो सब जानते हैं। और सच कहूँ मैं गलत फहमियाँ सह सकती हूँ, लेकिन तेरी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं सह सकती। और एक बात, सच कहूँ तो मैं मानव से नाराज थी। मैं यही समझती थी कि उसने एक आई से उसकी बेटी को तोड़ दिया, इसलिए नफरत करने लगी थी मानव से। लेकिन जब मैंने तेरे बाबा को देखा तो मैं अपने फैसले पर सोचने के लिए मजबूर हो गई। तुझे पता है तेरे बाबा मानव को बहुत चाहते हैं, उसकी अच्छाई का आदर करते हैं। हाँ लेकिन एक कमी तेरे मानव में जरूर है। क्या आई? वो तेरे जैसा ही बहुत ही सीधा साधा है, भोला है, और इसी का फायदा लोग उठाते हैं। मुझे तो डर लगता है कि तुम दोनों ऐसे ही रहोगे तो पता नहीं क्या होगा, लोग तो तुम्हें बेवकूफी बनाते रहेंगे। तो ऐसा क्यों कह रही है? लेकिन अरे जो सच है वही तो कह रही हूँ। आई तो बिल्कुल डर मत, हमें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, और अगर ऐसा किसी ने किया भी ना तो मुझे पता है कि मेरे पास मेरी आई है। तो ये बात है, अभी भी वो जयवंत अर्चना के पीछे पागल है। पता नहीं क्या है उस लड़की में, लेकिन जाने देना, मुझे क्या करना है। जयवंत को मदद करके तेरा फायदा हो रहा है ना, तो तू कर ले मदद, कर ले मदद। हाँ? लेकिन कैसे मदद कर दूं उसकी? प्रॉमिस तो कर दिया उससे, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, ये अभी तक तो कुछ भी तय नहीं किया है। पंजू, तू भी ना, अरे तू कब पड़ी होगी? इतना अच्छा मौका हाथ में आया है तो उसे इनकैश भी नहीं कर सकती तू। क्या मतलब? मेरा मतलब है अर्चना और मानव का रिश्ता तोड़ने के लिए तू जो चाहे कर सकती है, और अगर तेरी चोरी पकड़ी भी गई तो नाम तो जयवंत का ही आएगा ना। तू तर करुण सरुण नामा निराळी होणार, और अगर तेरी चाल कामयाब हो गई तो तेरी तो पांचों उंगलियां घी में होगी। इसलिए तू पूरी कोशिश कर ले, कोई भी जरिया अपना ले, लेकिन अर्चना और मानव में
गलत फहमियां होती रहनी चाहिए। नहीं नहीं आई, ये नहीं हो सकता। अर्चना और मानव इस फेस से बहुत आगे निकल चुके हैं। अरे वो लोग एक दूसरे को गलत समझ ही नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। अंजू, दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है, सिर्फ सही समय और सही जगह देखकर वार करने का स्किल होना चाहिए। समझी? प्यार।